सबसे पहले काशिफ साहब आपका शुक्रिया, K2 टीवी का शुक्रिया कि वो हमारी तमाम तकरीबात जो होती हैं उनको कवर करता है और कम्युनिटी में K2 टीवी का बड़ा रोल है यहाँ पे। मैं आज इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं सबसे पहले वेलकम करना चाह रहा हूँ, खुश आमदीद कहना चाह रहा हूँ CEO हैं शमा फूड के सरदार ज़हूर इकबाल साहब, जो हमारी दावत पे इस तकरीब में शिरकत के लिए खसूसी तौर पर पेरिस से आए हैं। और बहुत बड़ा ब्रांड है शमा फूड, जो यूरोप में पाकिस्तानियों की अपनी कम्युनिटी को की खिदमत कर रहा है, उनको हलाल प्रोडक्ट जो है वो मुहैया हो रही हैं इनके ब्रांड की वजह से। और ये सरदार साहब इसको UK में भी लॉन्च करना चाह रहे हैं। 14 अगस्त को जो हमारी बड़ी तकरीब हो रही है उसमें इंशाल्लाह शमा फूड की भी लॉन्च करेंगे हम मैनचेस्टर में, क्योंकि मैनचेस्टर जो है नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तानी कम्युनिटी का एक हब है और ये एक सेंटर है, तो यहाँ से ही शुरू होगा शमा फूड और पूरे इंशाल्लाह UK में जाएगा। और सरदार साहब यहाँ पे चूँकि आए हुए हैं हमारे पास, तो मैं सरदार साहब से कहूँगा कि वो भी अपने कुछ ख्याल का इजहार करें। जी मुझे बहुत अच्छा लगा है जी। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमारे ये प्रोग्राम चौरी तैर साहब ने ऑर्गेनाइज किया है पाकिस्तानी कल्चर के हवाले से, पाकिस्तान के इस्तेकाम के हवाले से, और ये प्रोग्राम मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी हैं, ये होने चाहिए ताकि हमारी जो आने वाली नस्ल है, जो हमारी यंग तबका है जो यूरोप में और UK में रह रहे हैं, उनको अपने कल्चर का, अपनी ज़बान का, अपने लोगों का, उन्हें उनकी मालूमात में इजाफा हो, उनको पता होना चाहिए। मैं समझता हूँ इस तरह के जो प्रोग्राम है ये बहुत बड़ी बात है। मैं पहले भी एक TV को इंटरव्यू देते हुए कह चुका हूँ कि भाई ये इस तरह के प्रोग्राम जो हैं ये होने चाहिए, और चौरी तैर साहब की बहुत काविश है। जब से ये अपनी अखबार रन कर रहे हैं तब से हमेशा अपने मुल्क के लिए, अपनी लैंग्वेज उर्दू के लिए कुछ ना कुछ हमेशा करते रहते हैं, और हम भी इनका साथ देते हैं। इंशाल्लाह हमारा पूरा साथ इनके है और इंशाल्लाह हम कंटिन्यू ये प्रमोशन जो अपनी लैंग्वेज किया करते रहेंगे।